Hello everyone, welcome to Rice Smart Hindi. This is Harvinder Kroni और हम शुरू करने जा रहे हैं CHSL और जो बच्चे GD की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल के लिए उनके लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं जैसा कि हम लगातार करते आ रहे हैं. उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आज की क्लास में से भी पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हमारे द्वारा करवाई गई सेंटेंसेस, हमारे द्वारा करवाई गई प्रैक्टिस आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर लाभ दे. इसी उद्देश्य से शुरू करते हैं आज के सेंटेंसेस को. तो नंबर वन पे देखते हैं आज हमारे पास क्या है. आपके पास एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है और जितने भी बच्चे क्लास में आए मैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा की तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए क्या लगता है कहां पर एरर हो सकता है. ठीक है, जब सिनोनिम्स की बारी आती है तो सिनोनिम्स के बारे में बताएं, इडियम्स के बारे में बताएं. गलत होता है तो होने दो लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए ताकि आपको अपनी गलती के बारे में पता चल जाए और वैसी गलती आप दोबारा ना करें. तो देखते हैं यहां पर हमारे पास लिखा है द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड आर राइजिंग इन आर कंट्री. द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, तो यहां पर आपको क्या लगता है किस पार्ट में एरर है. अगर आप कोशिश करेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है. जैसे कि इस सेंटेंस में आपने देखा द नंबर आपको अगर गिवन है तो आपको वर्ब का सिंगुलर यूज करना है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज करना है द नंबर होने पर. तो आप देख पा रहे हैं कि द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड के बाद यहां पर आर लिखा हुआ है जो कि गलत है. हमें यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. तो द नंबर के लिए आपको क्या लगाना है, यहां पे इस का यूज करना है. तो इस प्रकार से आपने देखा कि बी में आपका एरर है, यहां आर लिखा हुआ है जबकि होना इस चाहिए था. याद रखना है एग्जाम में अगर आपको आ नंबर दे दिया जाए, मान लीजिए वहां पर लिखा हो एग्जाम में आ नंबर ऑफ बॉयज, आ नंबर ऑफ गर्ल्स, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आ नंबर होने पर याद रखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल का यूज करना है. तो इज और आर में से लेना पड़े तो क्या लेंगे, आर. वाज और वर में से लेना पड़े तो क्या लेंगे, वर. तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि द नंबर होने पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और आ नंबर होने पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज करते हैं. ऑलराइट, आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर दो की ओर. दो नंबर सेंटेंस में हमें लिखा है आई एम अंडरस्टैंडिंग चैप्टर्स बेटर नाउ. अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सेंटेंस है एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो. इस टाइप के सेंटेंसेस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं. उसका मात्र एक ही कारण होता है कि अगर वो लोकल बुक से पढ़ते हैं तो वहां लिखा होता है कि अंडरस्टैंड के साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, जबकि हमें लिखना यह चाहिए ऐसी बुक्स में कि अंडरस्टैंड के साथ यूजली आईएनजी का प्रयोग नहीं होता. हम ऐसे किसी को नहीं कहते कि आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, वेल आई अंडरस्टैंड. ठीक है, तो वहां पर आईएनजी यूज नहीं करते. पर यह कहना कि इसके साथ आईएनजी यूज नहीं होता गलत है. इस सेंटेंस में आई एम अंडरस्टैंडिंग चैप्टर्स बेटर नाउ, यानी जो चैप्टर्स में पहले पढ़ रहा था मेरे को इतनी आसानी से समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब उन चैप्टर्स को जब मैं पढ़ रहा हूं तो वो मेरे को समझ आने शुरू हो रहे हैं. यानी इसमें बदलाव हो रहा है. जब आप कुछ चेंज को यहां पर रखते हैं, चेंज को बतलाते हैं, चेंज को दर्शाते हैं, तो वहां पर आप आई एन जी का प्रयोग करते हैं. इस वजह से इसमें कोई एरर नहीं है. तो यहां पर हमारा यह पॉइंट नहीं होगा कि आई अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग चैप्टर्स बेटर नाउ. तो उम्मीद करता हूं आपको यह पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि हमेशा हमें यह मानकर नहीं चलना कि इसके अंदर आई एन जी का यूज नहीं होता. जहां भी चेंज या बदलाव दर्शाना होता है तो हम आई एन जी का यूज अंडरस्टैंड के साथ करते हैं. ऑलराइट, ये था हमारा सेंटेंस नंबर टू. आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर तीन की ओर. मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई ट्राई करे. यहां पर दिया जा रहा है सेंटेंस एज सून एज ही एंटर्ड द चर्च, जैसे वो चर्च के अंदर गया तो क्या हुआ, ही वॉक्ड अलोंग इट. अब देखिए यहां पर उसने चर्च के अंदर प्रवेश कर लिया. चर्च के बाहर होता तो वो चर्च की दीवार या चर्च की जो बाउंड्री है उसके साथ साथ चल सकता था, अलोंग हो सकता था. लेकिन यहां पर वो चर्च के अंदर जा चुका है तो इट मीन्स वहां पे अलोंग वर्ड नहीं आना चाहिए, ही वॉक्ड थ्रू इट होना चाहिए. ठीक है, अलोंग कब करते हैं, जैसे कोई नदी है, नदी के साथ साथ. ठीक है, अलोंग द रिवर, सड़क के साथ साथ, अलोंग द रोड.
ठीक है, स्कूल की कोई दीवार है लंबी, उसके साथ साथ तो अलोंग द वॉल ऑफ द स्कूल, इस प्रकार से हम अलोंग का यूज करते हैं। यहां पर प्रवेश किया जा चुका है तो उस वजह से यहां अलोंग का यूज नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर फोर की ओर। फोर्थ में यहां पर दिया है आई गेट द सैलरी इन द एंड ऑफ द मंथ। ये पॉइंट अक्सर बच्चों से गलत हो जाता है, इन द एंड और एट द एंड में गलती कर जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द एंड। इन द एंड का मतलब होता है इवेंचुअली, ई वी ई एन टी यू ए डबल एल वाई, इवेंचुअली। इवेंचुअली मीन्स एट लास्ट, आखिरकार, ठीक है, अंत में आकर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति किसी कार्य को करने से मना कर रहा था, ठीक है, इन द एंड ही एग्रीड, इवेंचुअली ही एग्रीड, अंत में आकर वो राजी हो गया, तो यहां आखिरकार, ठीक है, इवेंचुअली के लिए यूज होता है इन द एंड। अगर किसी कार्य को समाप्त दिखाते हैं, मूवी है, मूवी का एंड हुआ, किसी बुक को पढ़ा, बुक का अंत हुआ, एक नॉवल को हमने खत्म किया, नॉवल के एंड में जाकर, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द नॉवल, एट द एंड ऑफ द मूवी, ठीक है, किसी चीज के समाप्त होने पर, एट द एंड ऑफ द मंथ, जब मंथ खत्म हुआ, ठीक है, तो आपको समझ आ गया किसी चीज का खत्म दर्शाना। तो आई गेट द सैलरी, सैलरी कब मिलती है, जब मंथ खत्म हो जाता है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ। तो बी में एरर है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फोर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई बच्चा पांच नंबर को ट्राई करके दिखाए। एनीवन कैन ट्राई। शी प्रोबेबली वॉन्ट बी नीडिंग द बुक इन द इवनिंग। यस, छोटा सा सेंटेंस है लेकिन इसमें एक टेक्निकल एरर है, एक टेक्निकल पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना होता है। अगर कोई आप में से देना चाहे जवाब, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां वोंट लिखा हुआ है, यहां प्रोबेबली लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया कि यहां पर हमने शी वोंट प्रोबेबली नहीं लिखा हुआ, प्रोबेबली को कहां लिखा है, नेगेटिव से पहले। मेरे को यह दिखाना है आपको कि अगर प्रोबेबली शब्द वोंट के बाद लिखा होता तो ये एरर हो जाता, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है मायने रखती है। तो प्रोबेबली शब्द आप लोग याद रखेंगे, इसको नेगेटिव से पहले प्लेस किया जाता है, नेगेटिव से पहले प्लेस किया जाता है, और ये नेगेटिव से पहले ही प्लेस्ड है। इस वजह से, यानी इसमें कोई गलती नहीं है, इस वजह से इसमें कोई गलती नहीं है। तो नो एरर इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि प्रोबेबली शब्द कहां होना चाहिए, नेगेटिव से पहले, नेगेटिव के बाद लिखा होगा तो उसे एरर मान लेना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नंबर सिक्स। लाइक ही सेड अर्लियर इट कैन बी डन ईजली। तो यहां पर इस सेंटेंस में भी आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी कि यहां लाइक ही सेड, ही सेड क्या है, ही यहां पर आप देख सकते हैं एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सेड क्या है, सेड यहां पर वर्ब है। अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट व वर्ब दोनों दे रखा होता है, उस केसेस में आप लाइक का यूज नहीं करते हैं, आप एज का यूज करते हैं, एज ही सेड, राइट। तो सब्जेक्ट वर्ब होने पर लाइक का यूज नहीं करिए। वैसे भी हम लाइक शब्द का यूज कब करते हैं, इस चीज को ध्यान रखें कि हम इसको, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। लाइक शब्द का हम यूज कब करते हैं, जब आप किसी नाउन का यूज कर रहे होते हैं, या लाइक के साथ आप किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं, या लाइक के साथ आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब है, इस वजह से हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। रॉयल, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर हमने लिखा हुआ है लाइक ही सेड लिखा हुआ है, यानी यहां पर ही सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है। और लाइक कब यूज होता है, जब कभी आप नाउन या प्रोनाउन, जैसे ही इज लाइक मोहन, मोहन क्या हो गया, नाउन, राइट। ही इज लाइक हिम, हिम क्या हो गया, प्रोनाउन, ओके। देयर इज नथिंग लाइक लिसनिंग टू रेडियो, लिसनिंग रेडियो की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा लाइक के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी।
पर यहां पे सब्जेक्ट वर्ब होने की वजह से हमें एज का यूज करना होगा. तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नंबर 7. नंबर 7 पे द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स आर वेरी फ्यू. आप में से कोई भी ट्राई कर सकता है. इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स आर वेरी फ्यू, इंग्लिश बोलने वाले. ठीक है, आगे नहीं बोलूंगा, आगे हिंदी नहीं बोलूंगा. उसका रीजन है कि आपको पता चल जाएगा. अगर आप पहले ट्राई करना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज मेरे को तो बताना ही है. ऑफ कोर्स मैं तो इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा. चलिए इसमें देखिए, द इंग्लिश स्पीकिंग या पीपल्स, यानी पीपल्स का अर्थ क्या है ये आपको समझना है. यहां पर पीपल्स का मतलब है नेशंस. तो ध्यान देना है कि जब हम लोगों की बात करते हैं, ठीक है, लोगों की बात करते हैं तब हम पीपल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. जब हम कभी ट्राइब्स की बात करते हैं या नेशंस की बात करते हैं, ट्राइब्स और नेशंस के लिए हम क्या करते हैं, पीपल्स वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं. तो यहां पर इंग्लिश बोलने वाले जो नेशंस हैं वो बहुत कम है. ऐसे बहुत कम देश हैं जहां इंग्लिश बोली जाती है. तो इस प्रकार से आपने देखा इसमें कोई एरर नहीं है. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर. फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. कौन बताएगा आप में से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है. कोई भी ट्राई कर सकता है, इसमें मुश्किल नहीं है. आप आसानी से ट्राई कर सकते हैं सेक्रेटेरियल. ऑलराइट, यहां पर क्या लगता है कि सेक्रेटेरियल के स्पेलिंग क्या होने चाहिए. तो देखते हैं पहले को SECRETAR. ना, ये गलत हो गया. यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस में. SECRETE, ये भी गलत हो गया. SECRET, ये भी गलत हो गया. SECRETARIAL. ऑलराइट, ध्यान देना, यहां पर गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, तो सेक्रेटेरियल के अंदर आपने क्या करना है, दोनों ही जगह ए को मार्क कर लेना माइंड में, तो गलती नहीं होगी. तो इस तरह से आपने आंसर निकाल लेना है. आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर. यहां पर एक पैसेज गिवन है क्लोज टेस्ट, जिसमें आपको 5 ब्लैंक्स नजर आ रहे होंगे. इन ब्लैंक्स को भरना है, इनके लिए ऑप्शंस का पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये पैसेज जो है पढ़ने से पहले एक बार ऑप्शंस के ऊपर नजर मार लेते हैं. ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास 9 के लिए, ह्यूज लिखा है, राइट, एंड स्प्रॉलिंग लिखा हुआ है, जिग्नेटिक लिखा हुआ है, एंड वेरी बिग लिखा हुआ है. यहां पर 10 नंबर में काउच पोटैटो, लेजी पोटैटो, लोफर या स्पेक्टेटर. ऑलराइट, एक बार 11 को भी देख लेते हैं. शॉरिंग एंड ग्लोरीफाइंग एंड डोइंग एंड पेपरिंग. ऑलराइट, नंबर 12 पे दे रखा है कॉन्टेम्परेरी लिंगो. ओके, कॉन्टेम्परेरी मींस मॉडर्न, लिंगो मींस लैंग्वेज कह सकते हैं, या आप लोग देखते हैं स्लैंग का जो यूज किया जाता है, ठीक है, उसको भी हम लिंगो कहते हैं. या आप ये भी कह सकते हैं जो जार्गन होती है, यानी कि जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग करना भी इसको कह सकते हैं. इसमें फैशनेबल जार्गन, कॉमन स्लैंग. ऑलराइट, आगे है इसमें 13 नंबर पे सेल्फिशनेस, पैनिक, पैरालिसिस एंड कैलमिटी. ऑलराइट, वापस आते हैं पैराग्राफ पे और देखते हैं कि आप कितना रिटेन कर पाते हैं. वहां पर इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आपके पास बिल्कुल सामने ऑप्शंस होंगी. तो एक बार इसको पढ़कर देखते हैं कि ये पैसेज किस बारे में है. अगर हम इसकी शुरुआत करें तो इसमें लिखा हुआ है द प्रीचर, जो उपदेशक था, जो उपदेशक है, जो उपदेश दे रहा है, प्रीच कर रहा है, चैलेंज्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यंग पीपल. उसने क्या किया, जो लोग थे उनको चैलेंज किया. हु गैदर्ड, जो लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग इकट्ठे हुए थे, उसने क्या किया, वहां पर उन लोगों को चैलेंज किया. ये लोग इकट्ठा हुए थे पॉलिश मीडो में. ओके, यहां पर आ गया वेरी बिग, वेरी बिग. आपने ऑप्शंस में देखा 9th में हमारे पास वेरी बिग लिखा हुआ है. ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर कहां पर एकत्रित हुए, एक बार इसको देख लीजिए.
पॉलिश मीडो, मीडो क्या होता है, मीडो आपको पता है जो फूलों की क्यारियां होती हैं, ठीक है, उस जगह पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। और आगे उस प्रीचर ने क्या किया, टू रिजेक्ट बीइंग अ स्पेक्टेटर, यहां पर प्रीचर कह रहा है कि सिर्फ एक तमाशबीन नहीं रहना चाहिए, इस जीवन में आए हो तो यहां पर प्रीच यानी उपदेश देने वाला लोगों को कह रहा है कि कुछ नेक कार्य करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं बनना है, मात्र एक दर्शक नहीं बनना है। तो देखते हैं एक बार, यहां पर 10 नंबर पे हमारे पास क्या था, 10 नंबर पे हमारे पास स्पेक्टेटर ऑप्शन है, ऑलराइट, कि हमें एक दर्शक नहीं बनना है। आगे देखते हैं इसमें 11 नंबर में क्या था ऑप्शन, शाउटिंग एंडोइंग ग्लोरीफाइंग एंड पैपरिंग। वापस आते हैं अपने पैसेज के ऊपर और पैसेज में देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद लिखा है, हु रिट्रीट्स इनटू वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर स्क्रीन्स एंड इंस्टेड एंगेज इन सोशल एक्टिविज्म एंड पॉलिटिक्स टू क्रिएट अ मोर जस्ट वर्ल्ड। यहां पर वो कहना चाह रहे हैं प्रीचर कि हमें इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ एकमात्र तमाशबीन या स्पेक्टेटर नहीं बनना है, हमें कुछ वर्थ करना है, अच्छा कार्य करना है। और उसने अपनी स्पीच को एंडाउ किया, एंडोइंग हिज स्पीच विद, अभी आपने एंडाउ वर्ड पढ़ा था, उसमें और कोई भी वर्ड जो है वहां पर यूज नहीं हो रहा, एंडोइंग होता है प्रोवाइड करना, स्पीच के द्वारा प्रदान किया उसने, गिव करना, देना। तो उसने अपनी स्पीच में बतलाया, और अपनी स्पीच जब उसने दी तो स्पीच कैसी थी, अभी अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, अगर आपने ध्यान दिया हो, कॉन्टेम्परेरी लिंगो हमने पढ़ा था, कि जो मॉडर्न लैंग्वेज का, यानी उस प्रीचर ने अपनी स्पीच के दौरान, अपने भाषण के दौरान, अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, मॉडर्न, कॉन्टेम्परेरी क्या हो गया मॉडर्न, लिंगो क्या हो गया लैंग्वेज, उसने मॉडर्न लैंग्वेज का प्रयोग किया। और उनकी उम्र कितनी थी उन प्रीचर की, 79 ईयर ओल्ड, जो कि एक पोप हैं, डिस्पाइट अ लॉन्ग डे ऑफ पब्लिक अपीयरेंसेस, ठीक है, पूरा दिन पब्लिक अपीयरेंसेस की, एड्रेस किया लोगों को, हिज ईगर ऑडियंस विद एंथुसियाज्म यस्टरडे ऑन अ वार्म समर नाइट, उसके बाद भी कई लोग वहां पर एकत्रित थे उनको सुनने के लिए। पोप फ्रांसिस स्पोक ऑफ, तो पोप फ्रांसिस ने वहां पर क्या बोला, बोला कि सेल्फिशनेस जो होती है ना, सेल्फिशनेस दैट कम्स फ्रॉम मियरली सीकिंग कन्वीनियंस, क्योंकि लोग सिर्फ क्या चाहते हैं, कन्वीनियंस चाहते हैं, इसलिए लोग सेल्फिश बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रीचर हैं, हु इज द प्रीचर हियर, द प्रीचर इज नन अदर देन पोप फ्रांसिस। तो आपको बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चंस करने आ जाते हैं अगर आपको थोड़ा आइडिया हो जाए व्हाट इज द पैसेज अबाउट। तो सबसे पहले कोशिश ये किया करो, एक बार नजर मार लीजिए क्वेश्चंस पे, ठीक है, जो ऑप्शंस हैं, और उसके बाद पैसेज को शुरू कीजिए और पैसेज में देखिए व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, ये किसके बारे में बात कर रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है। अकॉर्डिंगली जब आप रीडिंग आपकी अच्छी होती है, रीडिंग हैबिट अच्छी होती है, तो आप आसानी से उन पे आंसर्स दे सकते हैं। मीनवाइल दीपक जी हैं यहाँ पर, जय हिंद बेटा, जय हिंद। सो कोशिश करना है, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आता है। एनीवे ये पैसेज हो गया, अब अगला क्वेश्चन आने वाला है आपका, तो देखते हैं आप में से कौन ट्राई करने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 को। और 14 के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मार्क द ऑप्शंस टू इंप्रूव द सेंटेंस इफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट, मार्क डी। यहां पर आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है, देखते हैं आप में से कौन करके दिखाता है। एनीवन कैन ट्राई भाई, कोई भी ट्राई करके देख सकता है। और यहां पर है मोहन डील्स विद डेमन, कोई भी ट्राई कर सकता है। ऑप्शंस हैं डील्स इन, डील्स फॉर, डील ऑफ और नो इंप्रूवमेंट। मैं आपके कमेंट सेक्शन की ओर देख रहा हूं, कोई ट्राई नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा ये भी होता है कि समटाइम्स स्टूडेंट जो है बाद में लेटर ऑन वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, इसलिए जब हम उसको बाद में देखते हैं तो उसमें व्यूज जो है बच्चों ने देखे होते हैं, लेकिन अगर आप लाइव क्लास में करते हैं तो आपके पास पूछने का, आपके पास पूछने का जो है उस समय व्हाट यू कॉल इट प्रोविजन है, आप इस समय कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आपको इंस्टेंट आंसर भी मिल जाएगा। एनीवे इसको शुरू करते हैं। यहां पर लिखा हुआ डील विद, जब आप डील विद करते हैं तो डील विद पर्सन, ही वॉज डीलिंग विद टू कस्टमर्स,
वो दो कस्टमर्स के साथ डील कर रहा था। यहां पर डायमंड के साथ क्या है, व्यापार करना, तो व्यापार करने की इंग्लिश होती है डील, ठीक है, इन। तो आपका आंसर हो जाएगा मोहन डील्स इन डायमंड, ही डील्स इन शुगर, वो शुगर का व्यापार करता है। तो उम्मीद करता हूं व्यापार को दर्शाने के लिए डील इन किसी व्यक्ति से, ठीक है, डील करते वक्त हम विद का यूज करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहां पर है पावर गॉट विद मनी इज द मोस्ट क्रेव्ड फॉर टुडे। जो लोग पैसे से, ठीक है, यानी पावर गॉट विद मनी, जो लोग पैसे से पावर को प्राप्त करते हैं, वो आज हर कोई चाहता है दुनिया का, यानी कि आज के दुनिया का, जैसे यहां पर राइटर के, इस राइटर के अनुसार, ठीक है, चाहत है, ठीक है। तो चाहत के लिए हम क्या करते हैं, एच ए एन के ई आर ई डी, अगर इसमें पास्ट टेंस में लिखे तो हैंकर्ड आफ्टर, या एच यू एन जी ई आर ई डी, हंगर्ड आफ्टर, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप कर सकते हैं सॉट आफ्टर, सॉट आफ्टर, राइट। और वही मीनिंग है क्रेव का भी, क्रेव का भी मीनिंग वही है। तो अगर मीनिंग वही है तो हमें कोई जरूरत नहीं है किसी तरह के इंप्रूवमेंट को लेने की। तो इस तरह से आपने देखा कि एक एक एक्सप्रेशंस के बड़े सारे वेज होते हैं उन चीजों को रखने के, उनको कहने के। तो आप इन सभी नियमों को, इन सभी वर्ड्स को, इन सभी एक्सप्रेशंस को, इन सभी फ्रेजेस को अच्छे से याद करते हुए चलें, ताकि आने वाले एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन आता है, कोई भी ऐसी फ्रेज आती है, तो आप आसानी से उसे डील कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 16 की ओर। नंबर 16 पे है एपिडेमिक वर्ड लिखा हुआ है, और एपिडेमिक का आपने क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया में पेंडेमिक ने कितना बड़ा, ठीक है, नुकसान किया, पेंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड होता है, और एपिडेमिक होता है जो बड़े पैमाने पर फैल जाता है, ठीक है। एंडेमिक होता है जो रुक रुक के किसी एक एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित होता है। तो यहां पर एपिडेमिक का दिखाना है हमें, तो एपिडेमिक में क्या होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाना, बहुत बड़े एरिया में फैल जाना। तो आपने देखा उसका एक्चुअल सिनोनिम क्या निकल रहा है, वाइड स्प्रेड। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 17 की ओर। ओब्लिवियस, कम ऑन गाइस, कम ऑन, ओब्लिवियस। यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। ओब्लिवियस का मीनिंग पहले तो पता होना चाहिए, ओब्लिवियस का मीनिंग क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति अनअवेयर है, अनअवेयर, इसको वाइट से लिख देता हूं, अनअवेयर, तो अनअवेयर, तो इसका अपोजिट करना होगा, इसमें अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस है, ठीक है, तो क्या है, कॉशियस है, कॉन्शियस है। तो यहां कॉन्शियस वर्ड लिखा, कॉन्शियस वर्ड लिखा हुआ है, सचेत होना, ठीक है, पूरी तरह से सचेत होना, यहां पर ध्यान ना होना, अवेयर ना होना। इस प्रकार से आपका सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नंबर 18 की ओर, और रन आउट ऑफ स्टीम का idiom का अर्थ बताना है, रन आउट ऑफ स्टीम। चले भाई, कोशिश कीजिए आप में से, जब बच्चे खुद ट्राई नहीं करते हैं तो यू नो क्लास को मैं कुछ ज्यादा बताने लायक नहीं रह जाता है, ठीक है। ऐसे में मैं ये चाहूंगा कि अगर आपका साथ में कॉन्ट्रीब्यूशन हो, साथ में अगर आप आंसर्स करते रहे, ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या होता है डिस्कस करते हैं, तो चीजें और ज्यादा, ठीक है, बाहर आती हैं, और ज्यादा आपको अवेयरनेस क्रिएट होती है, शब्दों के यूजेस के बारे में पता चलता है। जब आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो टीचर के पास कुछ नहीं बचता सिवाय उसका मीनिंग बताने के। तो ऐसे में थोड़ा सा ये आपके ऊपर है कि आप सेशन को कितना लाइक करते हैं, राइट, किस तरह से और दूसरों फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होकर अपनी इस यात्रा को पूरा करें और आने वाले टाइम में अच्छे से सिलेक्शन पाएं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। यहां पर रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है टू रन आउट ऑफ एन एंगल, नो, आगे है टू लूज एंथुसियाज्म
एंड स्टॉप डूइंग समथिंग. यस, जब इंसान का जोश ठंडा हो जाता है और अब वो कुछ करने लायक नहीं है तो ही रन आउट ऑफ स्टीम, यानी स्टीम खत्म होगी. उसके अंदर की जो एनर्जी थी, जो उसके अंदर की जो पावर थी, जो जोश था, जो हिम्मत थी, वो शांत हो गई. तो आपने देखा रन आउट ऑफ स्टीम. ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 19 की ओर. टू पिक होल्स, क्या लगता है टू पिक होल्स क्या होना चाहिए? टू पिक होल्स क्या होना चाहिए? यहां पर लिखा हुआ है टू लूज करेज, हिम्मत का खो देना. टू बी अफ्रेड टू डाई, ठीक है, मृत्यु से डरना. और टू फाइंड द वीक पॉइंट्स इन समथिंग, ठीक है, गलतियां निकालना, वीक पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, बात करना. टू पिक होल्स, ही इज इन द हैबिट ऑफ, ही इज इन द हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स, ठीक है. उसकी आदत क्या है कि वो दूसरों की कमियां गिनवाता रहता है. उम्मीद करता हूं ये यूज करना भी आप आसानी से सीख जाएंगे. आगे बढ़ते हैं नंबर 20th की ओर. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स. अनेक शब्दों के स्थान पर आपको एक शब्द बताना है. और यहां पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, सेंटेंस दिया जा रहा है, या सेट ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जा रहे हैं. द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, जो व्यक्ति स्वयं को ही एडमायर करता रहता है, ठीक है, स्वयं को ही यानी कि एक नायक के रूप में देखता है, अपने आप की प्रशंसा करता रहता है, ऐसे को क्या कहते हैं, जो सिर्फ अपने आप को लव करता है, एडमायर करता है. यहां पर दिया हुआ है साइकोसिस, न्यूरोसिस, नार्सिसिज्म एंड पैरोनिया. तो नार्सिसिज्म इज द राइट ऑप्शन. ऑलराइट, ये था नंबर 20th. आगे बढ़ते हैं 21 पे. टू टेक बैक, विदड्रॉ और रिनाउंस कर देना. कम ऑन गाइस, कम ऑन, कोई भी आप में से ट्राई कर सकता है. अभी somebody tried. एक बार मैं देख लेता हूं कमेंट बॉक्स में. यस, चांदनी वर्मा ने आंसर दिया. चलिए अब देखते हैं इसमें आप क्या आंसर दे रहे हैं. टू टेक बैक, विदड्रॉ करना या रिनाउंस करना. थोड़ा सा ध्यान से करने वाला शब्द है. बहुत ऐसी टाइम ऐसे हो जाता है कि कुछ वर्ड जो है थोड़ा सा टफ भी आ जाते हैं, तो हमें इजी और टफ हर तरह के एक्सप्रेशंस के लिए तैयार रहना चाहिए एग्जाम में. राइट, एग्जाम में हमें हर तरह के एक्सप्रेशंस के लिए तैयार रहना चाहिए. तो जब आप किसी चीज को विड्रॉ करते हैं, ठीक है, या पीछे हटते हैं या रिनाउंस करते हैं, उसके लिए रिकेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. रिकेंट करना, क्योंकि रिपेंट के अंदर पश्चाताप होता है, रिट्रेस पीछे हटना होता है, रिफ्यूज इनकार करना होता है, तो इसलिए रिकेंट इज द राइट आंसर. ऑलराइट, ये था सेंटेंस नंबर, क्वेश्चन नंबर 21. लेट्स मूव ऑन टू 22. इसमें इस बार हमने एक एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन लिया है. मार्क द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस. जो वाक्य गिवन है उसका पैसिव वॉइस बनाना है. मेरे को नहीं लगता कि ये मुश्किल लगेगा आपको. मैं चाहूंगा कि आप में से ही कोई ट्राई करके दिखाए. यहां पर दिया हुआ है, हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर. हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर. कम ऑन गाइस, कोई ट्राई करना चाहे आप में से. इतना आपको पता ही होगा, आप लोगों ने अगर वॉइस पढ़ रखा होता है तो हु का हम बाय हुम कर देते हैं, बाय हुम. फिर आपने देखा यहां पर क्या है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है. अगर एक्टिव इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव बनेगा. पहली बात तो ये तय है. ओके, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई हमें यहां पर ऑपरेटर चाहिए, कोई हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी कहते हैं. तो ऑक्सिलरी को ढूंढते हैं, यहां पर वर्ब दे रखा है, ठीक है. और आपको पता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इतना पैसिव वॉइस सभी को पता होगा, V2 का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम या तो वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं. तो बाय होम वर यू, क्योंकि यू के लिए हमें वर लगाना है, तो बाय होम वर यू आस्क टू ड्राफ्ट दिस लेटर इज द राइट आंसर. हमने डी क्यों नहीं लिया, हमने डी यहां पर क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर अगर हम यू वर लिखते हैं तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ठीक है, प्लेन स्टेटमेंट हो जाएगी, ये इंटरोगेटिव नहीं रह जाएगी.
तो सेंटेंस को इंटरोगेटिव रखने के लिए हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यानी ऑपरेटर का यूज करना पड़ा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको याद रहेगा कि इंटरोगेटिव होने पर पैसिव भी इंटरोगेटिव होना चाहिए। इस वजह से सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नंबर 23 की ओर। कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो तो लिख दीजिए, उसी समय मैं आपको यहां पर आपको पूरी की पूरी उस बात को समझा दूंगा, ठीक है। जो भी डाउट आता है उसको क्लियर करके चलिए। यहां पर लिखा है अ पर्सन और थिंग ऑफ अनरिकग्नाइज्ड मेरिट, कोई व्यक्ति या वस्तु जिसको उसका ड्यू रिकग्निशन नहीं मिलता है, उसको उसकी पहचान, ठीक है, उसके उसकी जो वर्थ है उसको पहचाना नहीं जाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। तो आप लोगों ने बचपन में सिंड्रेला की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो सिंड्रेला को बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, ठीक है, जो वो डिजर्व करती थी उसको वो नहीं मिलता था। तो जब कोई चीज जिसको जो डिजर्व करता है वो ना मिले तो हम क्या कह रहे हैं उसको, कि जो पर्सन या वस्तु जो अनरिकग्नाइज्ड है वो क्या कहलाएगा, सिंड्रेला। ऑलराइट, ये था नंबर 23। आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। अ कंसीटेड एंड शोई पर्सन, वो व्यक्ति जो कंसीटेड होता है, कंसीटेड हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, मैंने क्लास में भी करवाया था। कंसीटेड कौन होते हैं, जो प्राउड होते हैं, जो घमंडी होते हैं, ठीक है, जो लोग बड़े ही एरोगेंट होते हैं उनको हम, उनके लिए हम यूज करते हैं कंसीटेड, राइट। और आपने अगर इसके बारे में पढ़ लिया है तो आपको पता चल जाना चाहिए, एक खास वर्ड जो मैंने क्लासेस में करवाया हुआ है, अ कंसीटेड व्यक्ति कौन सा होता है, जो शोई भी होता है, ठीक है, दिखावा भी बहुत करता है और घमंडी भी होता है, ऐसे व्यक्ति को हम कॉक्सकॉम के नाम से जानते हैं, राइट, कॉक्सकॉम। तो उम्मीद करता हूं ये कॉक्सकॉम, एरोगेंट, प्राउड, ठीक है, कंसीटेड, ये सब सिनोनिम्स हैं। इन सभी सिनोनिम्स का आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, इनको यूज करेंगे ताकि एग्जाम में इनमें से कोई भी शब्द आता है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। और याद रखिए, अगर आप में से कोई भी बच्चा, अगर आपको लगता है कि लेवल इससे भी ऊपर करना है, आपको अपना लेवल और ऊपर करना है, तो रोज सुबह 9 AM पे, ठीक है, मैं यहां पर आपको राइस मार्ट के इस प्लेटफॉर्म से रोज सुबह 9 बजे CGL मेंस के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जो बच्चे आपके जानकार हों, जो इस समय CGL मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पैटर्न में CGL के कुछ बदलाव आया है। आपको यह भी पता होगा कि पहले जहां 200 क्वेश्चंस आते थे वहां मात्र 45 क्वेश्चंस ही आने हैं, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन है, और कई बच्चे इस समय परेशान हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि लेवल को किस तरह से उठाया जाए या किस टाइप से वेरिएशंस आएंगे क्वेश्चंस में। तो मैं नए नए तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो आप में से कोई भी अपना लेवल ऊपर उठाना चाहे, या आपका कोई जानकार जो CGL मेंस की तैयारी कर रहा है और उसको अगर दिक्कत आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि वो सुबह 9 बजे वाली क्लास में आकर वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप लोग भी आ सकते हैं। नेचुरली कुछ सीखने को ही मिलेगा, और लैंग्वेज में जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। ऑलराइट, वापस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 25th पे। हु लाइक्स गुड फूड एंड ड्रिंक एंड लिव्स लग्जूरियसली, वो व्यक्ति जिसको अच्छा खाना, घूमना फिरना पीना, ठीक है, अच्छी कंपनी को लाइक करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। कोई भी आप में से ट्राई कर सकता है भाई, एनी वन कैन ट्राई। इसके लिए क्या लगता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाला एक शब्द, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो काम आसान होता चला जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि बुल्ली क्या होता है, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, हु यूजेस ओके हिज स्ट्रेंथ, जो अपनी ताकत का, स्ट्रेंथ का, पावर का इस्तेमाल करता है दूसरों को डराने के लिए, ओके, टू फ्राइटन डराने के लिए, अदर्स, दूसरों को डराने के लिए अपनी ताकत, अपने बल का प्रयोग करता है, वो बुली होता है। बम्शस क्या होता है, जो व्यक्ति जिसको प्राउड होता है,
ठीक है, किस चीज पे प्राउड ऑफ वंस एबिलिटीज, प्राउड ऑफ वंस एबिलिटीज, जिसको अपनी योग्यता पे, अपनी एबिलिटी के ऊपर प्राउड आ जाता है, घमंड आ जाता है उसको अपनी एबिलिटी के ऊपर, ओके, उसे हम बम्पशियस कहते हैं। वोकोलिक जो होता है रिलेटेड टू व्हाट यू कॉल इट विलेजेस, जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध है उसे हम बुकोलिक कहते हैं। और यहां पर हमारे पास एक ही चीज बची, वो है क्या, बोन विवान, प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना, बोन विवान, बोन विवान, ठीक है, फ्रेंच एक्सप्रेशन है, और जिसका मीनिंग हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो लाइक करता है अच्छे फूड को, अच्छे ड्रिंक को, अच्छी कंपनी को, और बड़े ही लग्जूरियस वे में रहना पसंद करता है। तो आपने देखा कि इस तरह से आज की क्लास में हमने फिर से 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। लगातार मैं आपको इस टाइप के प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि जो बच्चे CHSL या SSC GD की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि उनके पास कुछ नया कंटेंट होना चाहिए, कुछ मटेरियल होना चाहिए जहां पे वो प्रैक्टिस कर सकें, और जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां आपसे दोबारा ना हो, ठीक है, उनको समझाने के लिए मैं हूं, बट आपको उसके लिए क्या करना है, सेंटेंसेस को सुनिए, समझिए, खुद प्रयत्न कीजिए, ट्राई कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट या कोई भी चीज पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से संबंधित जो हम कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरली मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा आपको समझाने के लिए। तो अगर आपको आज की क्लास सारी समझ में आ गई हो तो भाई प्लीज लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, राइट। और आगे जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपको थोड़ा लेवल अच्छा करना है और अच्छी प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए तो आप सुबह वाली क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरों को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह की क्लास में 9 बजे, खुश रहे, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।